लेट स्टार्ट विदिक सो ये तो सबको पता है, कि भाई, commercial bank क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है सेंट्रल बैंक हम पढ़ रहे थे so, कंट्री करना, 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 में एक साउंड सिस्टम ऑफ बैंकिंग को डेवलप करना ये सारे काम आरबीआई के होते हैं तो, इंडिया में से हम आरबीआई के नाम से जानते हैं इंग्लैंड में इट इज बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूएस में फेडरल रिजर्व सिस्टम फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक ये सब कर चुके थे मेन सो कॉल्ड हमें कंटेंट रिपीट करना है इसमें दैट इज फॉर क्रेडिट कंट्रोल बेसिकली इन फंक्शन में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है मोनोपोली ऑफ नोट इश्यू बैंकर टू द गवर्नमेंट आरबीआई मेनी ए टाइम्स गवर्नमेंट के लिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टेकअप करता है गवर्नमेंट को अगर कोई भी पेमेंट कहीं पे करना होगा तो इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट के लिए पेमेंट करेगा देन गवर्नमेंट के कोई भी लोन वगैरा होंगे सपोर्ट है पैसे के लेन देन का स्टेट गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है दे ऑल विल अगर हम अपना अकाउंट किसी बैंक में ओपन करते हैं चिल्ड्रन तो सिमिलरली हमारे बैंक उस पैसे को कहां रखते हैं द आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितनी स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके टैक्सेस के पैसे भी कहां जमा होते हैं डायरेक्टली तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसा जाता है एच के पास भी जा सकता है आईसीआईसी के पास भी जा सकता है बट अल्टीमेटली उसके बाद पैसा कहां जाता है तो ये जो कमर्शियल बैंक होते हैं ये हमसे वाटर टैक्स हाउस टैक्स गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट करते हैं बट देर आफ्टर दिस मनी ऑल्सो गोज टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो समझ में आ गया कैसे आरबीआई गवर्नमेंट सिस्टम को भी हेल्प करता है दिस पॉइंट <coughs> So, किसी ऑफिस में जाकर वो लोग अपना अकाउंट हो सकता है बैंक में मेंटेन में कर रहे हो, हो सकता है एसबीआई में उसके बाद वो पैसा फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाता है तो कभी कभी किसी भी कमर्शियल बैंक को जब पैसे की जरूरत पड़ती है इनकेस हैव शॉर्टेज ऑफ मनी वो अपने पड़ोसी बैंक के पास जाते हैं अपने हेड ब्रांच के पास जाएंगे और अगर वो भी पैसा नहीं दे पाएंगे तो अल्टीमेटली दे विल गेट द मनी फ्रॉम आर देन क्लियरिंग हाउस में मैंने आपको चेक वाला एक सिस्टम समझाया था कि अगर एक बैंक के किसी कस्टमर ने दूसरे बैंक के किसी कस्टमर के साथ पैसे का लेन देन करना है तो ये रिकॉर्ड भी आरबीआई मेंटेन करेगा कि फाइनली बैंक से कितना पैसा निकलेगा और बैंक में कितना पैसा आएगा तो ये सब चीजें हम कर चुके थे सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी बुक में जो थोड़ा सा कम लिखा हुआ था वो यहां से कवरअप होना है हाउ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट बहुत ध्यान से सुनिएगा हमने एक पॉलिसी पढ़ी थी जुल्डन जिससे आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है एंड दैट पॉलिसी इज कॉल्ड एज विच पॉलिसी जल्द मोनिट्री पॉलिसी एंड एज पर मोनिट्री पॉलिसी आर बी आई सीज टू दिस की कंट्री में पैसे की अवेलेबिलिटी ना बहुत ज्यादा होनी चाहिए और ना बहुत कम होनी चाहिए इट शुड बी मेंटेन्ड एट द ऑप्टिमम लेवल बिकॉज अगर पैसे की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई तो एवरी बडी वुड बी हैविंग एक्सेस ऑफ मनी दैट मच अमाउंट ऑफ मनी इवन विच दे डू नॉट नीड अगर मेरे को और आपको ही जरूरत से ज्यादा पैसा मिल जाए चिल्ड्रेन क्या हम मार्केट में कोई भी सामान खरीदने से पहले शॉपकीपर के साथ नेगोशिएट करेंगे विल बी नेगोशिएट अगर हमारे पास पैसे की कोई शॉर्टेज नहीं होगी तो नो नॉट एट ऑल हम बिल्कुल नेगोशिएट नहीं करेंगे और हम बेवकूफी ये करेंगे कि हम सस्ती चीजों को भी जिसको नेगोशिएट करके शॉपकीपर से खरीद सकते थे पैसे की कमी तो है ही नहीं धनाधन दन खर्च करो क्या फर्क पड़ता है तो हम उसे हाई प्राइस पे खरीदेंगे और शॉपकीपर इस बात का पूरा फायदा उठाएगा एंड कंट्री वुड सफर फ्रॉम वॉट चिल्ड्रन चिल्ड्रन आंसर कंट्री वुड सफर फ्रॉम वॉट अरे आपके सामने लिखा है भाई मैंने हम चीजों को नेगोशिएट करके डिस्काउंट में सस्ते में ले सकते थे बट बिकॉज पैसे की कोई कमी नहीं थी हमारे पास शॉपकीपर को भी इस बात का पूरा अंदाजा है और वो भरपूर फायदा उठाएगा इसका एंड हमें चीजें महंगी प्राइस में मिलेंगी सो कंट्री वुड सफर वॉट फ्रॉम वट चिल्ड्रन इट्स इन फ्रंट ऑफ यू क्या है भाई बताइए कंट्री में क्या होगा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन? और पीपल स्लीपिंग चलो आंसर हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वी हैव

अगर हमारे पास मनी की सप्लाई शॉर्ट है चिल्ड्रन आई रिपीट मनी की सप्लाई शॉर्ट है तो हम मार्केट में उन चीजों को नहीं खरीद पाएंगे जिनको हम पहले खरीदा करते थे बिकॉज वी डू नॉट हैव मनी सो व्हेन वी डू नॉट हैव मनी शॉपकीपर्स वुड बी फोर्स्ड टू सेल देयर स्टॉक एट अ लो प्राइस बिकॉज कस्टमर्स के पास पैसा नहीं है और दे वुड स्टिल चार्ज हाई प्राइस आंसर हमारे पास पैसे की सप्लाई शॉर्ट हो गई वी डू नॉट हैव मनी तो शॉपकीपर्स हमें सामान अपना स्टॉक क्लियर करने के लिए जो भी गुड्स वो बेच रहे हैं सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं लो प्राइस में ऑफर करेंगे यस और नो चलो यस और नो यस सिंपल एज दैट तो जब वो हमें लो प्राइस पे ऑफर करेंगे तो चीजों के दाम कंट्री में घट जाएंगे व्हाट इज दैट कॉल्ड एज जब प्राइस बढ़ता है कंसिस्टेंटली तो इट इज इन्फ्लेशन प्राइस घटता है तो इट इज कॉल्ड एज एज डिफ्लेशन सिंपल दैट इट इज कॉल्ड एज डिफ्लेशन तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि अगर मनी सप्लाई जरूरत से ज्यादा हो गई तो कंट्री में इन्फ्लेशन हो जाएगा क्योंकि लोगों के पास बहुत पैसे आ जाएंगे और अगर मनी सप्लाई कम हो गई लोगों के पास पैसे ही नहीं है शॉपकीपर्स वुड बी फोर्स टू सेल देयर कमोडिटीज एट अ लोअर प्राइस एंड दैट वुड रिजल्ट इन टू डिफ्लेशन तो आरबीआई जब मनी सप्लाई या क्रेडिट को कंट्रोल करता है तो कहने को क्रेडिट कंट्रोल है बट कहीं ना कहीं वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन नहीं होने देना चाहते इकॉनमी में सो वी हैव टू टाइप ऑफ मेजर्स टू कंट्रोल क्रेडिट चलन वन इज कॉल्ड एज क्वान्टिटेटिव एंड अदर इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव तो अगर कंट्री में क्रेडिट को एक्सपैंड करना है आई रिपीट चलन क्रेडिट को एक्सपैंड करना है तो हमको थोड़ी सी लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करनी पड़ेगी हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन्स पे कम करना पड़ेगा कि बढ़ाना पड़ेगा बताइए बच्चों क्रेडिट एक्सपैंड करना चाहता है आरबीआई ज्यादा से ज्यादा लोन बांटना चाहता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना पड़ेगा इकोनॉमी में ताकि लोग आके इजिली पैसा बोरो करें और वी नीड टू इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस द रेट ऑफ इंटरेस्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दीजिए तभी लोग लोन लेने आ पाएंगे अगर ज़्यादा होगा तो वो नहीं आ पाएंगे बी आई नहीं चाहता कि ज़्यादा लोग लोन लें तो क्या बैंक मैनेजर को एक हॉकी स्टिक पकड़ा दे कि जो भी लोन लेने आए उसे so हॉकी मार के भगा दो Should this be the policy? No, sir. No. हम इंटरेस्ट को बढ़ा देंगे अपने आप बच्चों जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा लोगों को लगेगा कि भाई पहले तो ईजिली साढ़े नौ परसेंट पे इंटरेस्ट पे हमें लोन मिलता था नाउ बैंक्स आर चार्जिंग पर टन सो दो नीड ऑफ क्रेडिट रियल नीड ऑफ मनी वही आके बैंक से लोन लेंगे फलतू फालतू वाले भाग जाएंगे तो जब भी आप क्रेडिट कंट्रोल पढ़े दिमाग में आपको एक चीज रखनी है क्रेडिट कंट्रोल के साथ साथ कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को भी कंट्रोल करता है सो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आर सो कॉल्ड लेस इन नंबर। जब भी बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशन जैसी आइडियोलॉजी अडॉप्ट करे बैंक मतलब आरबीआई बैंक रेट पॉलिसी रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट एंड कैश रिजर्व या लीगल रिजर्व रेशियो रेपो रेट मैंने आपको बताया था क्या होता है फिर से बताऊंगा एंड चिल्ड्रन सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स में हम मार्जिन रिक्वायरमेंट चेंज करते हैं आरबीआई बहुत प्यार से कमर्शियल बैंक्स को समझाता है हम क्रेडिट पे अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि, कि किस सामान के लिए और किस कस्टमर के लिए कितना लोन देंगे तो रेगुलेटिंग कंज्यूमर क्रेडिट वाला एक पॉइंट है जिसमें ये क्रेडिट रेशनिंग भी आ जाता है सो लेट्स डू देम ऑल वन बाय वन आपके सामने कुछ पॉइंट्स आपको नजर आ रहे होंगे इनको आप प्लीज लिख लीजिए वन सेकेंड चिल्ड्रन और मैं इसमें कुछ एडिटिंग कर रहा हूं बस चलिए यहां पे लिख लीजिए रेगुलेटिंग कंज्यूमर क्रेडिट इसमें दो पॉइंट्स आएंगे चिल्ड्रन वन इज कॉल्ड एज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स अदर इज कॉल्ड एज रेशनिंग ऑफ क्रेडिट देन एक दो पॉइंट्स और ऐड कर लीजिए इट इज पब्लिसिटी एंड डायरेक्ट एक्शन काफी मिलते जुलते हैं तीनों पॉइंट्स बहुत प्यार से समझाना मीटिंग्स होल्ड करना हेड ऑफ द बैंक्स के साथ मॉरल पब्लिसिटी कंट्री के हालात न्यूज़पेपर में छाप दीजिए पब्लिक बहुत अकलमंद है सोच समझ के बैंक में अकाउंट ओपन करेगी पैसा डिपॉजिट करेगी नहीं मान रहे कमर्शियल बैंक आपकी बात बड़े बदतमीज टाइप के हो गए हैं आप डायरेक्ट एक्शन लीजिए इनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दीजिए पुलिस भेज के ताला लगवा लीजिए या इनका लाइसेंस कैंसिल कर दीजिए सो प्लीज कॉपी ऑल दिस देन एक एक करके हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं और बार बार बोल रहा हूं मैं आपको क्रेडिट कंट्रोल के साथ साथ चल रहे कहीं ना कहीं वी आर कंट्रोलिंग वॉट इज कॉल्ड एज इन एज वेल एज डिफ्लेशन तो इनफ्लेशन के टाइम पे आर सिर्फ एक चीज जानता है कुछ भी करके सो कॉल्ड मनी सप्लाई को कम करना है एंड ज्यादा पैसा कंट्री में नहीं होना चाहिए और अगर स्टेट ऑफ अफेयर्स डिफ्लेशन के चल रहे हैं तो लोगों को पैसे दो ताकि वो बाजार जाके सामान खरीदें तो जो चीजें नहीं बिक रही हैं सस्ते प्राइस पर बिक रही हैं एटलीस्ट वो सेलोनी स्टार्ट हो जाए प्लीज बी क्विक टू वी कैन से दिस आल्सो चिल्ड्रेन कि इन्फ्लेशन के टाइम में सही में क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है बट केस ऑफ डिफ्लेशन चिल्ड्रन हम क्रेडिट को कंट्रोल नहीं करते राधा हम क्रेडिट को एक्सपेंड करते हैं हम चाहते हैं कि लोग लोन लें जब लोग लोन लेंगे बैंक से आकर व्हाट वुड हैपन वो मार्केट में जाके पैसे को खर्च करेंगे और जब पैसे को खर्च करेंगे तो जो चीजें इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कस्टमर्स बेचारे शॉपकीपर्स को सस्ते में बेचनी पड़ रही थी अब जब कस्टमर पैसे लेके खरीदने आ गया सामान क्या उन्हें सस्ते में बेचनी पड़ेंगी चीजें चलन क्या उन्हें चीजें सस्ते में बेचनी पड़ेगी नो नॉट एट ऑल तो इस तरह से हमारा डिफ्लेशन कंट्रोल होता है बट ऑलरेडी बड़ी भयंकर महंगाई चल रही है कंट्री में गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोग अपने भी पैसे खर्च करें तो वो आरबीआई को और आरबीआई कमर्शियल बैंक को बोलेगा भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दीजिए लोग लोन लेने आ रहे हैं मत दीजिए उनको लोन क्योंकि अगर आपने लोन दिया वो मार्केट जाके और डिमांड क्रिएट कर देंगे पैसे उनके पास आ जाएंगे और मार्केट में ऑलरेडी महंगाई चल रही है और डिमांड बढ़ेगी महंगाई और बढ़ेगी तो इन केस ऑफ इन्फ्लेशन जब कंट्री में चल रहा हो क्रेडिट को कंट्रोल करिए डिफ्लेशन चल रहा हो तो क्रेडिट को एक्सपेंड करिए। पुट द पॉइंट गोइंग अहेड सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट वन बैंक रेट मैं इसके मल्टीपल मीनिंग्स आपको समझाऊंगा टेक एन एग्जाम्पल दैट देर इज अ पर्सन मिस्टर एक्स एंड इसने अपने कस्टमर मिस्टर वाई को सामान बेचा तो ही इज सेलर एंड ही बेची गई है दस हजार रुपए की मिस्टर वाई एक्स को प्रॉमिस कर रहे हैं कि चिंता मत करो मैं भागूंगा नहीं मैं तीन महीने बाद तुम्हें पैसा दे दूंगा मिस्टर एक्स कह रहा है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं बट तुम मेरे को एक कागज का टुकड़ा साइन करके दे दो इस कागज के टुकड़े को मिस्टर वाई ने बनाया साइन करके एक्स को दे दिया वी कॉल इट एज अ प्रोमिसरी नोट या मिस्टर एक्स ने इसको बनाया और वाई से साइन करा लिया तो हम इसे बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज अब ये कागज का टुकड़ा एक प्रॉमिस है एक्स और वाई के बीच में जहां पे वाई प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हें तीन महीने के बाद पैसे दूंगा टुडे इफ इट इज डिसम्बर ट्वेंटी टू तो तीन महीने के बाद मतलब पैसा मिलेगा

आंसर चलन क्या वाई पेमेंट करेगा एक्स को फिफ्टीन दिसंबर को जब इसने फेब ट्वेंटी थ्री में पेमेंट करने का टाइम का प्रॉमिस किया है आंसर चलन क्या वाई पेमेंट करेगा आज फिफ्टीन दिसंबर को डेफिनेटली नॉट मिस्टर तो एक्स जाते हैं एच डी एफ सी बैंक में जहां पे इनका अकाउंट है और एच डी एफ सी बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मेरे को पैसा दे दो एच डी एफ सी बैंक कह रहा है पैसा तो दे देंगे बट तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा ही सेड एच डी एफ सी बैंक ने बोला हमारे पास पैसा है नहीं हम पैसा लेके आते हैं किससे लेके आते हैं एच डी एफ सी बैंक डेफिनेटली आर बी आई से पैसा मांगेगा 99% केसेस में ऐसा होता नहीं है अगर साउंड बैंकिंग सिस्टम हो बैंक के पास पैसे बहुत होते हैं बट देन टू अब आरबीआई के पास जब एच बैंक जाता है ये दस हजार रुपए का कागज का टुकड़ा लेके तो आर इसे बोलता है हम आपको नौ हजार चार सौ रुपए दे देंगे बट पहले क्या होता था जब एच ऐसे दस हजार के कागज के टुकड़े लेकर आर के पास जाता था तो आर इन्हें नाइन्टी एट दिया करता था एच डी एफ सी मिस्टर एक्स जैसे लोगों को नाइन्टी सेवन हंड्रेड देता था तो नाइन्टी एट हंड्रेड आरबीआई से लिया और अल्टीमेटली मिस्टर एक्स को 97 सेवन दिया तो एच डी एफ सी को सौ रुपए बच गए कम से कम सुनाई पड़ी बात सुनाई पड़ी बात चलन सुनाई पड़ी बात yes. अब एच डी जब आरबीआई के पास गया तो आरबीआई ने उन्हें नौ हजार चार सौ रुपए दिए वो एक्स को बोलते हैं कि हम तुम्हें नौ हजार दो सौ रुपए देंगे तो अल्टीमेटली आज एच ने दो सौ रुपए कमा लिए तो पहले मिस्टर एक्स जैसे लोग जब दस हजार रुपए का ये कागज का टुकड़ा बैंक को दिया करते थे तो बैंक उन्हें नाइनटी सेवन हंड्रेड रुपीज आरबीआई से लाकर देता था अब बैंक उन्हें सिर्फ नाइन्टी दे रहा है तो सो कॉल्ड मोर डिडक्शन हो रहा है या सेम डिडक्शन हो रहा है या लेस डिडक्शन हो रहा है इट्स अ हायर डिडक्शन इन विद बिफोर और इट्स लेसर डिडक्शन सर प्लीज रिपीट द नंबर पहले एच डी एफ सी बैंक ये दस हजार रुपए का कागज का टुकड़ा जब आरबीआई को देता था तो

बैंक इन्हें दे रहा है सिर्फ नाइन टू हंड्रेड तो बेचारे के ज्यादा पैसे कट रहे हैं सो पीपल लाइक करेंगे क्योंकि अब ज्यादा पैसे कट रहे हैं उनको एक तरह से ज्यादा इंटरेस्ट कटवाना पड़ रहा है तो इसे एग्जैक्टली बैंक रेट का मतलब बोलते हैं जहां पे हम कमर्शियल की डिस्काउंटिंग करते हैं एक मैच से आपको कनेक्टेड मीनिंग और बता देता हूं जो आपके लिए सो कॉल्ड डबल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर देगा रेट का एक तो यह मीनिंग है दूसरा मीनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन पहले ट्वेल्व परसेंट पे बोरोइंग होती थी अब आरबीआई ने बोला चौदह परसेंट से कम पे लोन मत दीजिए तो अब लोगों के लिए लोन लेना एक्सपेंसिव अफेयर होगा उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या सेम नंबर ऑफ पीपल विल बोरो मनी और लेस वुड बी द काउंटिंग ऑफ बोरोर्स इन द कंट्रीस सिंपल लेना महंगा हो गया तो जब कंट्री में महंगाई में बढ़ती है तो बैंक नहीं चाहते कि लोगों के पास और पैसे आए तो वो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे आप डिस्काउंटिंग कराएंगे इस प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज की ज्यादा पैसे काटने लग जाएंगे तो लोग भागेंगे तो मान लीजिए पहले टेन परसेंट था ट्वेल्व हो गया बट डिफ्लेशन हो गया डिफ्लेशन का जमाना सबको क्लियर है ना डिफ्लेशन क्या होता है चलो एवरीबडी नोज वट इज डिफ्लेशन अ पीरियड वेन प्राइसेस गो डाउन चीजों के दाम कम हो रहे हैं कंट्री में तो जब दाम कम हो रहे हैं शॉपकीपर्स वुड फील हैं सामान सस्ता बेचना पड़ रहा है सौ का खरीद के एक सौ चालीस में बेचते थे अब एक सौ दस में बिक रहा है कस्टमर ही नहीं आ रहा हमारे पास जब कस्टमर नहीं आ रहा तो भाई स्टॉक कैसे क्लियर होगा तो स्टॉक बेचने के लिए भाई दाम गिरा दो तो अब यहाँ पे आरबीआई सोच रहा है कि अगर शॉपकीपर चीजों को सस्ते में बेचेंगे तो उनके प्रॉफिट गिरेगे प्रॉफिट गिरेंगे तो बेचारे अपने नौकरों को लात मार के बाहर कर देंगे नौकरी से अनएम्प्लॉयमेंट होगा अनएम्प्लॉयमेंट विल ब्रीड पॉवर्टी इन द कंट्री तो क्या किया जाए तो आरबीआई ने सजेस्ट किया लोन पे काम करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देते हैं हम जो लोन 12 परसेंट पे दे रहे हैं उसे 7 परसेंट पे देते हैं सो so जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन पे गिरेगा चिल्ड्रन मैं तो 12 परसेंट पे लोन लेने लायक नहीं था मैं पे नहीं कर पा रहा था आप भी नहीं कर पा रहे थे बटअ रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉलन डाउन टू सेवन परसेंट चिल्ड्रन नाउ वी विल बोरो मनी उस बोरोड मनी से हम घर भी खरीद सकते हैं कार भी खरीद सकते हैं बंगलो भी खरीद सकते हैं इवन अगर बैंक बोलेगा कि पैसा ले लीजिए बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करिए स्पेशल बर्थडे लोन है साढ़े छ परसेंट पे और दो साल एक साल चार साल के बाद पैसा दीजिए इजिली तीन साल की ई एम आई में दे दीजिए वी विल बोरोट बोरोन बोरो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो चलो बोरो करो और जब हम बोरो करेंगे पैसे आ जाएंगे पैसे आएंगे तो क्या करेंगे मनी प्लांट खरीद लेंगे उससे चलना सर मनी प्लांट खरीद लेंगे पैसे आ जाएंगे तो no सौ हम उस पैसे को खर्च करेंगे कहाँ खर्च करेंगे गुड्स एंड सर्विसेस में जो शॉपकीपर्स मक्खी मार रहे थे अब वो बिजनेस करने लग जाएंगे जो सामान उन्हें सस्ता बेचना पड़ रहा था बिकॉज कस्टमर्स वर नॉट देयर इन द मार्केट अब उन्हें सस्ता बेचने की जरूरत नहीं है कस्टमर भी है पैसे भी हैं उसके पास तो डिफ्लेशन के टाइम पे चल रहे रेट ऑफ इंटरेस्ट इसीलिए कम कर दिया जाता है सो दैट पीपल कैन इज़िली बोरो मनी तो आपकी फ्रैंक वाली बुक में ये कंटेंट बेसिकली मिसिंग है और ये एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे बेचारे गलती कर देते हैं समझ में गई बात समझ में गई बात yes, okay. uh... पूरा कंटेंट पूरा सो so कॉल्ड जो समरी uh, है चिल्ड्रन क्रेडिट क्रिएशन की वो यही है कि इन्फ्लेशन के टाइम पे बढ़ाओ रेट ऑफ इंटरेस्ट पैसा ना जा पाए लोगों के पास एंड ड्यूरिंग डिफ्लेशन वी शुड रिड्यूस इट कैश रिजर्व रेशियो बैंक के पास पहले हुआ करता था सिर्फ और सिर्फ पांच परसेंट अब आरबीआई ने बोला इसको बढ़ा के सोलह परसेंट कर दीजिए तो जब बैंक अपने पास बच्चों ज्यादा पैसा होल्ड करेंगे विल दे बी एबल टू लेंड मोर मनी जब वो अपने पास ज्यादा पैसा रखेंगे तो no, sir. Not at all. और अगर आरबीआई कह रहा है सिर्फ वन परसेंट पैसा अपने पास रखिए तो वो ज्यादा लोन दे पाएंगे तो जब कैश रिजर्व रेशियो वगैरह बढ़ जाएगा चिल्ड्रन क्रेडिट क्रिएशन विल बी लेस पहले बैंक

तो मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूँ एच डी एफ सी एस बी आई आई डी बी आई आई सी आई सी आई मैनी मैनी इन सब के पास जब सरप्लस पैसे आते हैं तो वॉट दे डू ये आर बी आई के पास इस पैसे को जमा कर देते हैं आर बी आई कह रहा है आइए हमारे पास जमा करिए हम आपको फाइव परसेंट इंटरेस्ट देंगे ये लोग बहुत खुश हैं बट जब इन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है चिल्ड्रन तो जो इनका अपना डिपॉजिट होता है या तो ये उसमें से निकालेंगे आर से या आर से कहेंगे प्लीज हमें लोन दे दो आर का अगर नो प्रॉब्लम भाई हमारा तो काम ही यही है तो आर विल ऑफर मनी टू दीज बैंक्स बट अगेन चिल्ड्रन फ्री में जहर भी नहीं मिलता है आर इनसे कहेगा हमें आप छे परसेंट इंटरेस्ट दीजिए सो चिल्ड्रन दिस सिक्स परसेंट इज नोन एज रेपो रेट जो आर बी आई वसूलेगा इनसे एंड जब इनके पास ज्यादा पैसे होते हैं तो ये आर बी आई के पास उसका फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं विच इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट रेपो वर्ड जो है ये बेसिकली चिल्ड्रेन रीपरचेज से निकल के आया है और इसको थोड़ा सा हम बंगाली टच दे देते हैं और रीपोर्चेज बोलते हैं इसको रीपर्चेज शब्द क्यों यूज होता है क्योंकि जब आरबीआई आपको लोन देता है चिल्ड्रेन तो आपसे कोई सिक्योरिटी गिरवी रखवाएगा वो तो उन्होंने आपकी सिक्योरिटी सो कॉल्ड परचेज की हुई है आपसे तो रिवर्स रेपो इज जब आरबीआई डिपॉजिट लेता है कमर्शियल बैंक से और उन्हें इंटरेस्ट देता है एंड रेपो रेट इज जब आरबीआई आपको उधार देता है आप बोरो करते हैं एज अ कमर्शियल बैंक और आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है समझ में आ गई बात तो रेपो के रेट केस में चल आरबीआई के लिए इंटरेस्ट कलेक्ट करना इनकम है और इनके लिए इंटरेस्ट पे करना इज एन एक्सपेंस रिवर्स रेपो में सो कॉल्ड आरबीआई के लिए इन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो इनके लिए एक्सपेंस और इनके लिए यहाँ पे ये इंटरेस्ट इनकम बनती है तो अगर आर आपसे बोले आइए हम आपको एट परसेंट इंटरेस्ट देंगे बैंक सोचेंगे ये बढ़िया काम है कस्टमर के वो पैसा देने में रिस्क भी है कस्टमर को साढ़े सात परसेंट से ऊपर पे हम लोन दे नहीं सकते जो मार्केट का हाल चल रहा है इट इज बेटर अपना सरप्लस पैसा आरबीआई के पास जमा करो आरबीआई एट परसेंट तो देगा ही देगा और आरबीआई थोड़ा कहीं भाग जाएगा तो जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगा चिल्ड्रेन तो लोन क्रिएटेड वुड बी मोर और लेस बताइए आरबीआई में पैसा जमा करने पे पहले पांच परसेंट मिलता था बैंक्स को अब आरबीआई आपको दे रहा है तो बैंक पब्लिक को लोन बांटेंगे साढ़े सात परसेंट लेंगे या आरबीआई में डिपॉजिट करेंगे पे और रिस्क प्लस दैट तो चिल्ड्रेन क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा अभी तक आरबीआई कमर्शियल बैंक को छह परसेंट पे लोन देता था अब आरबीआई कह रहा है आइए आइए बहुत प्यार से आइए साढ़े चार परसेंट पर हम आपको लोन दे देंगे तो कमर्शियल बैंक को लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है चिल्ड्रेन कमर्शियल बैंक टेक और मार्केट में कस्टमर इनसे साढ़े नौ परसेंट पे लोन लेने को तैयार है तो कमर्शियल बैंक फोर एंड हाफ परसेंट पे आरबीआई से बोरो करके साढ़े नौ परसेंट पे कस्टमर को लोन दे तो क्रेडिट क्रिएशन वुड बी मोर और लेस चिल्ड्रन आंसर चिल्ड्रन क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा लोन ज्यादा बटेगा कि कम पहले आरबीआई सिंपल पहले आरबीआई छह परसेंट आई रिपीट आरबीआई सिक्स परसेंट पे आपको उधार देता था और आप पब्लिक को साढ़े नौ परसेंट पे उधार देते थे साढ़े तीन कमा लेते थे अब आरबीआई साढ़े चार परसेंट पे आपको लोन दे रहा है और पब्लिक आपसे साढ़े नौ परसेंट पे लोन ले लेगी तो आपकी कमाई पांच परसेंट हो गई सो क्रेडिट क्रिएशन वुड इनक्रीज चिल्ड्रन समझ में आ गया तो रेपो रेट जब बढ़ता है आई रिपीट रेपो रेट जब बढ़ता है चल्रेन तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाता है और रेपो रेट घटता है जैसे मेरे एग्जाम्पल में पहले सिक्स परसेंट पे आरबीआई उधार देता था अब साढ़े चार पे दे रहा है तो लोन ज्यादा बटेगा मार्केट में सुनाई पड़ी बात सुनाई पड़ी, सुना पड़ी बात चल रेन सुनाई पड़ी बात Yes, तो इसको लिख लीजिए बड़े काम की चीज है बच्चों इंक्रीज इन रेपो रेट रिड्यूसेस क्रेडिट क्रिएशन रेपो रेट पहले छह परसेंट था आरबीआई आपको छ परसेंट पे उधार देता था अब आरबीआई खुद ही नौ परसेंट पे आपको उधार दे रहा है तो जब आप महंगा लोन लेंगे तो आगे आप देंगे भी महंगा एंड डिक्रीज इन रेपो रेट चिल्ड्रन इनक्रीजेज क्रेडिट क्रिएशन सुनाई पड़ी बात रेपो रेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और रिवर्स रेपो में उल्टा चलता है रिवर्स रेपो रेट अगर इंक्रीज होगा चल चिल्ड्रन रिवर्स रेपो रेट तो क्रेडिट क्रिएशन डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि तब हम उधार नहीं देंगे हम आरबीआई के पास जमा करेंगे और अगर डिक्रीज हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट आरबीआई बहुत कम इंटरेस्ट दे रहा है पैसा जमा करने पे उनके पास तो हम आरबीआई को नहीं देंगे हम कस्टमर को लोन दे देंगे जाकर समझ में आ गई बात चिल्ड्रन समझ में अगली बात यस चलिए प्लीज पुट दिस वेरी क्विकली इन योर कॉपीज फिर से समझ लीजिए पहले आरबीआई आपको 6 पे लोन देता साढ़े चार परसेंट पे दे रहा है तो रेपो रेट डिक्रीज हो गया छह लेते थे आरबीआई से और कस्टमर को साढ़े नौ परसेंट पे देते थे आपकी कमाई थी साढ़े तीन परसेंट की अब आरबीआई साढ़े चार परसेंट पे आपको लोन दे रहा है द रेपो रेट है तो अब हम ज्यादा हसी खुशी लोन बांटेंगे सुनाई पड़ गई बात और अगर इसको उल्टा समझ लें पहले साढ़े चार परसेंट पे आरबीआई हमें उधार देता था हमें मतलब कमर्शियल बैंक को अब आरबीआई कह रहा है छह परसेंट इंटरेस्ट लूंगा तो आप कहेंगे दो हमें नहीं चाहिए पैसा हम कस्टमर को लौटा देंगे अब कोई कमाई है नहीं तो रेपो रेट अगर सो कॉल्ड चिल्ड्रन इंक्रीज हो गया तो आपके लिए आरबीआई से बोरो करना महंगा हो जाएगा और आप लोन नहीं बांटेंगे और जब रेपो रेट सो कॉल्ड डिक्रीज हो गया चिल्ड्रेन छ परसेंट पे लोन लेते थे पहले अब साढ़े चार पे ले रहे हैं तो हम सो कॉल्ड ज्यादा खुश हो जाएंगे पब्लिक को लोन देने में सुनाई पड़ी बात चलो कनेक्टिंग अगेन चिल्ड्रेन एंड कंटिन्यूंग विद दिस